हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है 49x का स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर। देखो यहाँ 49x का स्क्वायर है और यहाँ 16y का स्क्वायर है। अगर हम इसको देखें, 49 किसका होता है, 7 का होता है। अगर मैं इसको चाहूँ तो 7 × 7 लिख सकता, और यहाँ हमारा क्या x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर, इसको मैं 4 × 4, और ये y का स्क्वायर तो y स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई 7 × 2 बार है, ओके। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये क्या खुलता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो अगर स्क्वायर में तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये भी हमारा 7x माइनस के प्लस क्या हो जाएगा, 4y। एक बार माइनस में 7x माइनस 4y, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखो 64 और एक्स का स्क्वायर। अगर 64 को मैं 8 × 8 लिख सकता हूँ माइनस एक्स का स्क्वायर, तो है इसको अगर मैं चाहूँ तो 8 का स्क्वायर कर सकता हूँ, और ये एक्स स्क्वायर। अब a माइनस बी की फॉर्म में आ गया, मीन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। ऐसे देखो y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर ये, अगर मैं 121 को लिख सकता हूँ 11 × 11, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर y का स्क्वायर देखो तो 11 कितनी बार, 2 टाइम है, तो 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब जब हमारे इस फॉर्म में होता तो ये क्या खुलता, a प्लस बी, ए माइनस बी, ओके। एक बार हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता, ये क्या एक बार प्लस में खुलता है, एक बार ये माइनस में खुलता है, जब हमारे दोनों में स्क्वायर हो। अब 121 किसका, 11 का स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, y प्लस 11, एक बार ये आ जाएगा, एक बार y माइनस 11, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया y प्लस 11, y माइनस 11।